and uh, thank you sir, thank you USA एस for your continuous support, especially in इन स्पेशली इन द हेल्थ सेक्टर एंड स्पेशली फॉर दैट फोर्टीन एम्बुलेंस वी आर गेटिंग टूडे सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग जो सर्विसज़ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं यू एस जो services सर्विसेज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि आपको पता है क्योंकि मीडिया के मेरे साथी भी सामने खड़े हैं मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि इन्होंने तकरीबन चौदह एम्बुलेंसेज जो मल्कंड रीजन के लिए हमें प्रोवाइड की हैं जिस पे हम यू एस के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं ये इसमें जो चार एम्बुलेंसेज हैं उसमें जो हैं वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं और दस जो हैं उनमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि मालाकंड में रेफरल जो पेशेंट्स होता है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस और मुश्किल का सामना था जब ये एम्बुलेंस मिलेंगी तो डेफिनेटली जो हमारा रेफ़रल है मरीज़ों का उसमें आसानी आएगी उसमें बेहतरी आएगी और जो मरीज़ हैं वो आसानी से अस्पतालों में पहुंच जाएंगे तो इस पर हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं यू एस एड के ये हमेशा से हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड रहे हैं इन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हेल्थ के निजाम में जो फैसिलिटेट इन्होंने किया है वो सब आपके सामने है इन शे वज़ी अल साहब मोहतरम जनाब अली अमीन गंडापुर साहब उनकी बिल्कुल फोकस है हेल्थ डिपार्टमेंट पे वो यही चाहते हैं कि हमारे जो सूबे की आवाम है उनको बेहतरीन जो है वो सेहत का निज़ाम मिले इसके लिए मैं इनका खसूस शुक्रगुज़ार हूँ कि आने वाले ए डी पी पे एक कसिर रकम इन्होंने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए रखी है सर इस पर एज़ अ मिनिस्टर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये हमारे बानी चेयरमैन इमरान ख़ान साहब का विजन है कि हेल्थ को हमने प्रमोट करना है हमारी जिम्मेवारी है हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि अपने सूबे के एक एक शख्स को एक बेहतरीन सेहत का निज़ाम दें सर वी आर वर्किंग ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट आई वॉन्ट दैट एवरी पेशेंट शुड बी ट्रीटेड ऑन इक्वलिटी बेसिस सो आई एम वर्किंग ऑन इट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ़ माई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आई एम वर्किंग ऑन इट तो हम वर्किंग कर रहे हैं इस पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे तो ये एम्बुलेंसेस ये सर्विसेज हमें मजबूती देती हैं इस निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ताला खान साहब का विजन है और हमारे माशा वज़ी अल साहब का एडमिनिस्ट्रेशन है हर हाल में खैबर पखतनख्वा अपने सूबे के मरीज़ों को एक बेहतरीन निज़ाम देगा अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं हमारे सपोर्टर्स हैं इनकी सपोर्ट से हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और इन शाह आप देखिएगा जब तीन साल गुजरेंगे तो आपको खैबर पखतनख्वा पाकिस्तान अभी भी ये जो है पूरे सूबों से बेहतर है लेकिन इंटरनेशनली इसको रिक्गनइज़ किया जाएगा और ये सारी मेहनत होगी हमारे वजीर अला साहब की होगी एक दफ़ा दोबारा सर आई वॉन्ट टू थैंक यू